We are discussing basic importance of safety in early childhood. So, safety is always the foremost concern for parents since they need to know their children are safe. Young children require the right amount of supervision and a safe environment to prevent any injuries. So, we were talking about injuries, how we can control injuries. So, we injuries control the safe environment will safe. एक तो ये कि जितनी ख़तरनाक चीज़ें जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं तेज़ धार की हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जाए फिर ये कि पेरेंट जो हैं उनको सर्वेलेंस देनी है उनको या केयर गिवर्स को या एजुकेटर्स को इर्द गिर्द रहना है ताकि बच्चे कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर पाए जो उनको नुकसान पहुँचा सकें ज़रूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट्स के साथ या जो टॉयज़ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि समटाइम्स वो आपस में भी लड़ाई शुरू कर देते हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं थप्पड़ मार देते हैं बाल खींच देते हैं इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थर्टी थ्री पॉइंट नाइन चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल सेल्फ हार्म पर वन हंड्रेड इन द्री इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर बड़ी हैरत इंगेज बात है कि आप देखिए कि हर सौ में से तैंतीस बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी तरह अपने आप को खुद से नुकसान पहुंचा रहा था गिर के बिला वजह किसी ऊंची जगह से गिर के या तेज़ी से हरकत करने की वजह से किसी सामने के ऑब्जेक्ट से टकरा के या किसी ना किसी तरह से वो खुद को हाम दे रहा था अब देखिए तीसरा ये हमारे ट्वेंटी सेवन परसेंट बन गए वो बच्चे जो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है उनका एन्वायरमेंट क्रिएट करने में When young children आर लर्निंग हाउ टू recognize डेंजरस situations, अ सेफ environment कैन हेल्प prevent एंड रिड्यूस देयर injuries. सबसे पहले तो बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना ही बड़ा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें उनको नुकसान दे सकती हैं और कौन सी उनको नुकसान से बचा सकती हैं मसा जैसे हम पहले भी अर्ज करते रहे हैं घरों में और स्कूलों में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ बच्चे ठोकर खा के गिर सकते हैं कहीं आग लगने के चांसेस हैं कहीं गैस वगैरह की लीकेज के चांसेस हैं कहीं पानी के पॉन्ड्स होते हैं जहां बच्चे करीब कहीं हो और फिसल के उसमें गिर जाएं। वॉशरूम्स के दरवाजे बंद रखे जाएं, ताकि टब्स के अंदर जो पानी है बच्चे उसमें ना उलट के गिर जाएं। इसके अलावा जब वो घर से बाहर निकलें या घर में ही आए गए किसी अजनबी के साथ फ़ौरी तौर पर इंटरेक्ट ना करें घर से बाहर निकले तो उनको पता हो किसके साथ वो कहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते किसी से क्या पकड़ के खा सकते हैं या नहीं खा सकते और गुड टच बैड टच की भी बातें उनको बताना बचपन ही से ज़रूरी हैं फिर चिल्ड्रन शुड हैव द फ्रीडम टू रोम अराउंड देयर सराउंडिंग्स इन अ सेफ एनवायरनमेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें पाबंद कर देंगे और उनको कहीं आने जाने भी नहीं देंगे या वो खुद से खेल भी नहीं सकते या उनको ऐसी खुली जगह या ना मुहैया की जाएँ असल मकसद ये है कि वो इन सारी चीज़ों को अवेल करें लेकिन उनको सेफ्टी मैयर से खुद से पहले से पता होना चाहिए और वालदान या केयर गिवर्स को उनको नज़र में रखना चाहिए कहीं भी वो खुली जगह पे भी खेल रहे हों तो वालदेन या केयर गिवर्स या एजुकेटर्स की नज़र में वो होने चाहिए सो कम्युनिकेट एंड शेयर वट कैन वी डू फॉर डेट वी हैव टू कम्युनिकेट सच ऑल इंफॉर्मेशन टू आर चिल्ड्रेन वी नीड टू इंफॉर्म देम अबाउट सेफ्टी रूल्स एंड डिफरेंट सेफ्टी आस्पेक्ट्स ओपनली विथ चिल्ड्रेन आप उनसे बात करेंगे उनसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे कि भाई अगर हम किसी अजनबी के साथ चले जाएँगे या अगर बाजार में अम्मी अबू आपके साथ जा रहे हैं और आप अकेले कहीं से निकल के दूर चले जाएंगे उनका हाथ छोड़ के या खुद से ही कहीं चले जाएँगे और ये बहुत ज़्यादा ऐसा होता है क्योंकि छोटे बच्चे ये समझते हैं उनको रास्ता आता है उनको जगह का पता है तो वो आपका हाथ छुड़ा के कहीं निकल जाते हैं इसी तरह स्कूलों के गेट के सामने प्रॉपर अगर गार्ड्स मौजूद ना हो बच्चे वहाँ पे स्कूल के गेट से भी निकल सकते हैं तो वी ये वो सारी बातें हैं जो बच्चों के साथ पहले से डिस्कस करनी चाहिए उनसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाने चाहिए एक सेफ्टी का बड़ा मैयर यह है कि उनको अपने घर का एड्रेस पता हो याद हो स्कूल का एड्रेस पता हो याद हो ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो कहीं इधर उधर होते भी हैं क्योंकि उन उनकी तबीयत विम्सिकल होती है एकदम से ख्याल आया और फिर वो निकल पड़े और ऐसी सूरत में उनको कम अज़ कम अगर वो फार्चुनेटली किसी समझदार इंसान से टकराते हैं उससे मिलते हैं तो ताकि अपने घर का अपने स्कूल का पता बताकर उनको वापस वहाँ पे भेजा जा सके और घर के अंदर या इदारे के अंदर जो ऐसी ख़तरनाक जगह हैं जहाँ जाना उनका मुनासिब नहीं है तो उनको सेफ्टी मयर्स बताए जाने बहुत ज़रूरी हैं